ये बताइए, अब आपने पोएम की समरी भी कर ली, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी कर लिए, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर ली, अब आपने पोएम से क्या सीखा? ये पोएम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए आपने थोड़ी पढ़ी है, आपने उससे कुछ सीखा भी होगा। अब क्या इंपॉर्टेंट लेसन हम इससे सीखते हैं, ये कहानी का सार क्या है, इस पोएम्स का सार क्या है, क्या हमें नई चीज इसमें सीखने को मिलती है, इसको बोलते हैं व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर अभी आपको आने चाहिए। वैसे तो सारी चीज मैंने बता दी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया अभी तक आपको आपने कौन सी चीज सीखी। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो आपने एक बात तो जरूर ये सीखी होगी कि एक छोटी सी चीज कई बार बहुत बड़ा कार्य कर देती है। Am I right or wrong? क्या मैं ठीक हूँ? तो आज हम आपको अभी बता देते हैं क्या क्या लेसन हमने सीखे हैं। एक तो स्मॉल मूवमेंट्स का सिग्निफिकेंस, कि जो छोटे छोटे मूवमेंट है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो थी, स्मॉल मूवमेंट था, इलस्ट्रेट्स हाउ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट क्रॉस चेकिंग स्नो फ्रॉम ए ट्री कैन हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन मूड। एक छोटी सी चीज, स्मॉल मूवमेंट्स, एक बहुत बड़ा कार्य कर सकती है प्रकृति में। क्या लेसन सीखा? स्मॉल मूवमेंट्स एंड सिंपल एक्ट्स इन आवर डेली लाइफ्स कैन होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई बड़ी घटना होगी, बड़ी चीज होगी, कई बार छोटी छोटी चीजें भी हमें हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव डालती हैं। जैसे डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो पोएट का मूड बैड से गुड मूड में चेंज हो गया। एक तो लेसन हमें ये सीखा इससे। दूसरा, पावर ऑफ नेचर, कि प्रकृति के अंदर इतनी पावर है कि वो चाहे नेगेटिव हो, दैट कैन हील एंड अपलिफ्ट आवर माइंड। वो हमारे माइंड को हील भी कर सकती है, हमारे घावों को भर भी सकती है, हमें परेशानी से बचा भी सकती है। तो प्रकृति की गोद में ये सेंट्रल थीम है कि जैसे क्रो है नेगेटिव है, हेमलॉक है नेगेटिव है, लेकिन इफेक्ट पॉजिटिव डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो नेचर की चीजें हैं। इसका मतलब हमने ये सीखा कि प्रकृति है वो हमें बचा के रखनी चाहिए। लेसन क्या सीखा? जिससे हमें एंगेजिंग विद नेचर कैन हैव ए थेरेप्यूटिक इफेक्ट। थेरेपी कराते हैं ना, कहीं चोट लग जाती तो आपको हील करने के लिए, घावों को भरने के लिए, मस्कुलर पेन खत्म करने के लिए, हेल्पिंग टू एलिवेट सैडनेस, सैडनेस को खत्म करने के लिए, रिस्टोर ए सेंस ऑफ पीस एंड वेलबींग। ये प्रकृति का कमाल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मूड, कई बार आप बहुत परेशान रहते हैं, आपका मूड नहीं बदलता, आप फिल्म भी देखते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन प्रकृति में जाएंगे तो थोड़ा आपका ध्यान, यानी एक अलग जगह से जाएंगे तो माइंड बदल जाएगा, शिफ्ट फ्रॉम बैड मूड टू ए पॉजिटिव। ये चीजें भी हमने देखा। लेसन क्या सीखा? इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म आवर मूड एंड आउटलुक थ्रू अनएक्सपेक्टेड एंड स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों से, जैसे कौवे से हम आशा नहीं रखते, और हेमलॉक ट्री जो जहरीला है उससे हम आशा नहीं रखते, लेकिन उन तीनों चीजों ने मिलके हमारे मूड को चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है, क्या लेसन सीखा? कि कोई भी चीज हमारा मूड बदल सकती है, बशर्ते वो उसका इम्पैक्ट सडन हो। और कई बार रिग्रेट, द पोएट मेंशन दैट द मोमेंट दैट क्रो एंड स्नो सेव्ड सम पार्ट ऑफ माय डे आई रिग्रेट। पोएट यह रिग्रेट करता है कि वो उसका जो दिन खराब हो गया था, परेशानी थी, पछता रहा था, टेंशन थी, एग्जाइटी थी, फैटिक थी, कि वो कई बार फीलिंग्स को रिग्रेट और सैडनेस में जाती है। डवेलिंग ऑन रिग्रेट कैन बी एलिवेटेड बाय फाइंडिंग जॉय, और इसको हम जॉय से, छोटी छोटी चीजों से खत्म कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ जॉय, क्रो है, हेमलेक ट्री है, तीनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली नेगेटिव चीजों ने हमारा माइंड पॉजिटिव कर दिया। तो क्या लेसन सीखते हैं? कि हर नेचर की चीज हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो ये लेसन हम जो ना, ये सारे लेसन हम इस छोटी सी पोएम से सीखते हैं कि नेचर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सारा दिन खराब, एक छोटी सी घटना ने हमें
ना पूरा मूड अच्छा हो गया। और जिन चीजों के बारे में हम नेगेटिव विचार रखते हैं, कई बार हम मन में सोच लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप किसी भी क्लास में या कहीं भी कहीं किसी इंसान के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई आदमी है, किसी ने बता दिया होगा भाई इस आदमी से दूर रहना, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए आप उसके नजदीक कभी भी नहीं जाते, उसको जानने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक परत जमा दी कि ये नेगेटिव आदमी है। जैसे कौए के बारे में हमारे घरों में परिवारों में कहते हैं कौआ ना करके सामने नहीं बैठना चाहिए, उड़ा दो उसको, हालांकि रीजन दूसरे होते हैं, वो जो ना कहीं कहीं से छोटी छोटी चीजें उठा के लाता है, वो पानी वानी में डाल देता है, घर में भी डाल देता है, रीजन तो है ये, लेकिन उसको हम स्पिरिचुअली ले लेते हैं। इसलिए कहता है कि हमें बिना किसी चीज को जाने, वो इंसान बेशक लोग उसको नेगेटिव कह रहे हो कुछ, लेकिन वो सभी हो सकता है, नेगेटिव चीज से भी पॉजिटिव चीजें निकालना ही एक कला है, ये चीज भी हमने इस पोएम से सीखी। ठीक है, तो ये छोटी सी पोएम होने के बावजूद हमें कई प्रकार की शिक्षा दे जाती है। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।